हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियल ऑफिसर उनके चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ एडिटिंग, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। एंड आप लोगों का लास्ट में शिकायत ये था कि मैं सेव करके नहीं दिखाया था फाइल, तो आज मैं सेव करके भी दिखाऊंगा पीडीएफ जो फाइल है उसका, टेक्स्ट को एडिट करके भी दिखाऊंगा, उसमें फ़ोटो ऐड करके भी दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ दिखाने वाला हूँ और ये बिल्कुल मुफ्त है गाइज। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं वो क्या करना है आपको। तो करना क्या है दोस्तों, आपको डाउनलोड कर लेनी है एडोब एक्रोबेट। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहीं से आप डाउनलोड करें, ज़रूर वहीं से डाउनलोड करें, अदरवाइज आपका सेव नहीं हो पाएगा। तो एडोब एक्रोबेट को ओपन कर लेनी है। ये ओपन करने के बाद आपको क्या करनी है, उसके बाद प्लस का मार्क दिख रहा है, वहाँ पे प्लस मार्क में आप चले जाएं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान दें, यहाँ पे एडिट पीडीएफ है, क्रिएट पीडीएफ है, कंबाइन फाइल से। तो आपको जानी है कहाँ, एडिट पीडीएफ में। एडिट पीडीएफ में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपके डिवाइस में जो फाइल है उस फाइल को ओपन कर लेनी है। चलिए ठीक है, ओपन कर लेनी है। तो यहाँ से मैं एक फ़ाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए एक फ़ाइल को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर गाइज ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ फाइल है। अब यहाँ पे आपको मैं एडिट करके दिखाऊंगा कैसे आपको एडिट करनी है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, नीचे आपको देख रही है टेक्स्ट एंड इमेजेस। तो मुझे क्या करना है, पहले जो टेक्स्ट है यहाँ पे उसको मुझे चेंज करनी है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर टॉप में जो दिख रही है यहाँ पर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद एडिट के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पे है फ्रेटर्निटी ऑफ मैकेनिकल एंड ऑटोमोटिव इंजीनियर, तो इसको मैं चेंज करके मैं यहाँ पर कुछ अलग कर दूंगा, ठीक है। इसको हटा के मैं यहाँ पर डाल दूंगा रियल ऑफिशियल 1K, राइट। तो यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है ऑर्गेनाइज बाय रियल ऑफिशियल 1K। सेम आप यहाँ पे आप चेंजेस ला सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे चेंजेस पहले भी किया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे करने बाद टेक्स्ट में ऐड करें, उसके बाद आपको जो भी चेंजेस लाना आप चेंजेस कर सकते हैं। अबाउट यहाँ पे है, तो इसको आप यहाँ पे अलग कर सकते हो, ठीक है। अबाउट रियल ऑफिशियल, चलिए यहाँ स्पेलिंग गलत है तो कोई बात नहीं, के चैनल। तो अबाउट रियल ऑफिशियल उनके, इसको क्या करना है आपको यहाँ पे सेव कर देनी है, ठीक है। ये सेव होने के बाद अब देखिए यहाँ पे चेंजेस आ चुकी है, चीज़ें यहाँ पे अलग हो चुकी है, ठीक है। जो मुझे एडिट करना था वो एडिट हो चुकी है। आप चाहे तो यहाँ पे कलर चेंजेस ला सकते हो, आप चाहे तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर ऑप्शन है, आपको यहाँ पे अंडरलाइन करोगे तो अंडरलाइन हो जाएगी सब में, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया तो सारे अंडरलाइन हो गई। अब चाहे तो इसको चेंजेस आप ला सकते हो, ठीक है। ये बात रही। अब यहाँ पे आपको अगर पिक्चर डालेंगे तो इसको पहले आप टिक कर लें, ओके। ये टिक हो गई। टिक होने के बाद आपको फ़ोटो कहाँ पर चाहिए, जैसे मान लेते हैं मुझे यहाँ पर चाहिए, इस पोर्शन पर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर पेंसिल वाले मार्क में जाऊँगा और यहाँ पे आपको गाइस यहाँ पे दो चीज़ आपको देखने को मिली। अगर आपको एक फॉर्म फिलअप करनी है, बहुत लोगों क्या होता है कि फॉर्म फिलअप करके साइन करके भेजना होता है, ईमेल करना होता है, तो वैसे टाइम पे आप फिल एंड साइन वाले ऑप्शन में जाएँ, अदरवाइज आप पीडीएफ में ही एडिट में ही करें सारा कुछ काम, ठीक है। यहाँ पर आप कहीं पर भी जाएँ, एक यहाँ पे प्लस अगर पिक्चर डालनी है तो प्लस यहाँ पे जैसे करेंगे, और जहाँ पे आपको फोटो डालनी है वहाँ पे आप टैप कर लें। टैप करने के बाद ऐड फ्रॉम फोटोज़, ऐड फ्रॉम फोटोज़ आपको क्या करना है, एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए ये फ़ोटो यहाँ पे आ गई है, ये फ़ोटो यहाँ पे आ गई है, तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। देखिए मैंने फ़ोटो भी एडिट कर लिया। अब रही बात कि हमने यहाँ पे सारा कुछ एडिट कर लिया, एडिट करने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, इसको टिक कर लेनी है, टिक मार्क आप लेफ्ट साइड में। टिक मार्क करने के बाद क्या करना है, इसको एक बार बैक वाले में जानी है। आप यहाँ पे थ्री डॉट में देखिए सारा कुछ, आपको कुछ भी नहीं करनी है, सेव करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। लेफ्ट पीछे जानी है, बैक जानी है, डॉक्यूमेंट सेव हो गया आपका। तो सेव होने के बाद क्या, जस्ट नाउ मैंने अभी किया, ये जो है ये अभी सेव हुआ है। तो इसको आप क्या करना है, थ्री डॉट में आपको सेलेक्ट करनी है। थ्री डॉट में सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव ए कॉपी, राइट, सेव टू डॉक्यूमेंट। आप क्लाउड में भी सेव कर सकते हैं, इसको फ़ोन पे सेव करने के लिए आपको क्या करना है, सेव ए कॉपी। सेव ए कॉपी करने के बाद ऑन द डिवाइस है, तो ऑन द डिवाइस आप जैसे करोगे तो आपके डिवाइस में ये हो गया, सेव हो गया। इसको मैं ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए गाइस ये आपके डिवाइस में सेव हो चुका है। तो ये सारी पूरा तरीका मैंने बताया गाइस, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल गया कि कैसे
आपको करनी है। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, क्योंकि 80% से ज़्यादा लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप लोग अगर थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखोगे और थोड़ा सपोर्ट करोगे तो ऐसे ऐसे वीडियोज़ और मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।